हे विधाता, मैं आज तेरे लिखे हुए भाग्य पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं। मैं राधेय, मैं कौन्तेय, मुझे मेरी पहचान दे। यदि कोई अपराध हुआ है तो अपराधी सूर्य देव है, यदि कोई अपराध हुआ है तो अपराधनी मेरी माता है। तो फिर इन दोनों के अपराध का दंड मैं क्यों भुगतूं? सूर्य देव तो अब भी प्रकाश बिंदु है, मेरी माता भी राजभवन में सुरक्षित है, और मैं जो केवल परिणाम हूं, भबक रहा हूं, यह कैसा न्याय है? तूने मेरा जो भाग्य लिखा है उसे पढ़ के तो देख। हे न्यायदाता, मुझे बता कि सूर्य के भाग का दंड धूप क्यों भुगते? रणभूमि में अपने अनुज के विरुद्ध युद्ध करता तो मैं ही दिखलाई दूंगा ना? तो फिर तूने मुझे दुर्योधन का ऋणी क्यों बनाया? क्यों बनाया? मुझे बता कि मुझे अब बताने की क्या आवश्यकता थी कि मैं कोई बेजड़ वृक्ष नहीं हूं? मुझे तो यूं जीने का अभ्यास भी हो गया था, और मैंने संधि कर ली थी अपने दुर्भाग्य से। तो फिर तुमने वासुदेव को रोका क्यों नहीं? उनसे यह तो कहा होता कि यदि उन्होंने मुझे यह सब बतलाया तो मेरे साथ कितना घोर अन्याय हो जाएगा। मैं वो वाण कैसे चला पाऊंगा जो पांडवों की छाती भेद जाए? परंतु मैं करूंगा यही, क्योंकि यही मेरा कर्तव्य है। तूने धर्म और अधर्म के बीच होने वाले महायुद्ध में अधर्म का पक्ष लेना मेरा कर्तव्य क्यों बनने दिया? मैं पांच पांच महारथियों का भाई, किंतु अकेला? जिधर देखता हूं मुझे दुर्योधन का किया हुआ कोई ना कोई उपकार सामने दिखाई देता है। तू मुझे त्याग सकता है विधाता, मेरी माता मुझे त्याग सकती है, किंतु मैं दुर्योधन को नहीं त्याग सकता। नहीं त्याग सकता मैं दुर्योधन को, कभी नहीं त्याग सकता।